भारतीय मानवाधिकार संगठन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश कुमार छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे, जहां पामगढ़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर पामगढ़ के विश्राम गृह में रैली के माध्यम से पहुंचे। पामगढ़ में विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रमों में जहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए बृजेश कुमार ने कहा, यह संगठन देश भर में गरीब मजदूर दलित आदिवासी पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए संगठन को बनाया गया। हमारे संगठन देश भर में काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ में तेजी से काम किया जा रहा है। आज पामगढ़ के इस सम्मेलन में अनेक समस्याओं पर चर्चा हुई। इसके बाद आगामी रणनीति तैयार किया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शरीर प्रसाद पूरे का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पूरे ने संगठन को पूरे प्रदेश में विस्तार करने की बात कही और लोगों के हित में लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान रेखा सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, सुभाष राणा जी महासचिव जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश कश्यप सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश कश्यप की खास रिपोर्ट। सबसे पहले हमारे धरती में छत्तीसगढ़ का आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है आज जो मैं मानव अधिकार ट्रस्ट में मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, इसके लिए भी मैं अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग का योजनाएँ हैं मानव, हम लोग एक मानव जाति है। मानव जाति में जो भी अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए पीछे नहीं हैं और इन सब को लेकर साथ में चलने के, जैसे कुछ भी कठिनाई पड़े, चाहे हमें डंडा खाना पड़े, मार खाना पड़े, गाली खाना पड़े, कुछ भी पड़े, बाकी हम मानव जाति हैं, मानव के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, यही हम लोग का उद्देश्य है।